जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट जो है लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है आपदा प्रबंधन विभाग में जो है 110 पदों की जो है स्वीकृति मिला है, जिसमें आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो है होगी भर्ती। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है आपदा प्रबंधन विभाग में। तो नोटिफिकेशन क्या निकला है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, आवेदन कब करना है, एग्ज़ाम कब होगा, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी अच्छे से मिल पाए। नोटिफिकेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधक, जिसमें आपका जो है जो नवीन जिला बना है, जिसमें आपका मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एवं सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में जिला प्रशासन एवं कलेक्टर भू अभिलेख शाखा के पदों का सृजन, जिसमें जिला प्रशासन के पद पूरा क्रमवार दिया गया है। तो आपको मैं अच्छे से सभी डिटेल्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है कुल जो है 5 पद हैं, कलेक्टर, अपर कलेक्टर के 2 पोस्ट हैं, संयुक्त कलेक्टर के भी 2 पोस्ट हैं, और इसमें वेतन आपको 13 लेवल का दिया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर के जो है 4 पोस्ट हैं, अधीक्षक के जो है 2 पोस्ट हैं, सहायक अधीक्षक के भी 4 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर वर्ग 1 के लिए 2 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 2 के लिए 8 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए 16 पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 6 पोस्ट हैं, वाहन चालक के लिए जो है 10 पोस्ट हैं, दफ्तरी के लिए जो है 2 पोस्ट हैं, माल जमादार के लिए 2 पोस्ट हैं, अर्दली के लिए 4 पोस्ट हैं, और चौकीदार के लिए 6 पोस्ट हैं, भृत्य के लिए जो है 10 पोस्ट हैं, और इसमें फराश के लिए जो है, फर्श वाले के लिए 2 पोस्ट हैं, अंशकालीन स्वीपर के लिए जो है 2 पोस्ट है। तो टोटल जो है यहाँ पर योग की बात करें तो 86 पोस्ट जो है टोटल आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्गवार जो है दिया गया है। और आगे और बात करें तो इसमें आपका अधीक्षक भू अभिलेख, जिसमें 2 पोस्ट हैं, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख में 4 पोस्ट है, राजस्व निरीक्षक में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI में 6 पोस्ट हैं, मानचित्रकार में 2 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 2 में 2 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 में 8 पोस्ट है, और अनुरेखक में 2 पोस्ट और वृद्ध के 4 पोस्ट है। तो टोटल जो है इसके लिए 30 पोस्ट हैं। तो आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग में आप सभी स्टूडेंट के लिए टोटल 110 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें आवेदन करना चाहते हैं आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई जॉब भर्तियाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर जो है निकल कर आ रहा है, ताकि आप लोगों को सभी जानकारी मिल सके और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। बात करें इसके सहायक ग्रेड के लिए, तो इसके लिए आपके पास जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। सहायक ग्रेड 2 और 3 में आवेदन करने के लिए आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, कोई भी हो, कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। और RI के लिए, RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक भर्ती के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं भृत्य में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए 8वीं पास रहता है। यदि आप 8वीं पास हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधीक्षक की बात करें तो इसके लिए वार्डन के लिए भी आपके पास जो है, वार्डन के लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, और IUC में 21 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं 45 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं, यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं 43 वर्ष के हैं आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कलेक्टर और जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो है CGPSC एग्ज़ाम्स, आपको राज्य लोक सेवा आयोग CGPSC का एग्ज़ाम देना होता है। CGPSC में प्री होता है, मेंस होता है। प्री में आपके जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। यदि आप प्री को एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री के बाद आपका होता है मेंस। मेंस में प्री में
एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, और मेंस में जो है लिखने का रहता है, रिटर्न एग्जाम्स लिखने वाला रहता है पूरा। और रिटर्न एग्ज़ाम से यदि आप जो है मेंस को भी क्लियर करेंगे उसके बाद होगा देन आपका इंटरव्यू। और मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट आपको जो है तैयार किया जाता है। तो दोनों में आपको बहुत अच्छे से नंबर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक न्यू वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बस आप लोगों की अब बारी है, एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। यदि आप अभी से कंटिन्यू एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे आप लोगों को जो है जॉब अवश्य मिल पाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट जो है इस समय आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल के आया है। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैमिली में वीडियोस को शेयर कीजिए और उन लोगों तक वीडियोस को पहुँचाइए जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सके। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है यदि आप उसके लिए प्रॉपर अच्छे से मेहनत करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, दिन रात जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे तो आपको रिटर्न में रिज़ल्ट जो है मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसीज आता है आपको उसमें फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करना है। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियोस को शेयर नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोगों के लिए इतने मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलता है न्यू वीडियोज़ बनाने का, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़ जो है हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ यार वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आप लोगों को जानकारी सबसे पहले जो है मिल पाएगा। तो प्लीज़ वीडियोस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है शुरू कीजिए। यदि आप अभी से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे आप ही लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा और आपको जो है जॉब अवश्य रूप से मिल पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का।